आज हमारे बच्चों के साथ मुलाकात थी, फिरोज खान की सुल्तान और फातिमा थी, और 12 बजे मुलाकात शुरू हुई थी और 1:30 बजे तक मुलाकात हुई थी। बड़े खुशगवार मूड में हुई थी और एक पॉजिटिव मैसेज किया था। एंड मैडम वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो फिरोज खान ने अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत जो भी करना था वो भी किया। गिफ्ट भी जो थे उनके साथ खेला था, जो ट्वाइस पहले वाले थे उनके साथ खेला था और काफी अच्छा था, पॉजिटिव था। और सुल्तान ने जिद की, मैं आपके साथ चलूंगा, तो हमने कहा था चाहे तो कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं एक दिन के लिए, आपको लेके जाते हैं सुल्तान खान को। तो इंशाल्लाह एक तो हेयरिंग में एप्लीकेशन मूव करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये दादा दादी से मिले, घर पे जाए, एक नाइट स्पेंड करे वीकेंड्स पे, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह पॉजिटिव भी। और मैडम की तरफ से भी, मैडम अलीजा की तरफ से भी बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज दिया था। एंड द थिंग्स पहले भी हमने कहा था कंप्रोमाइज जो उनका सुलानामा हो जाए, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में हुई है, हस्बैंड वाइफ है, हर हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर क्लियरिटी हो जाएगी इंशाल्लाह, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियरिटी हो जाएगी। जो भी लोगों ने इल्जाम लगाए थे, लोगों ने मिसयूज किया था, दो लड़ते हैं तीसरा ही फायदा उठाता है, उसको कितना कैसा रंग दे रहा है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने कंप्रोमाइज की और टेबल टॉक्स की बात करने की थी, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है वो खत्म होना चाहिए। और इंशाल्लाह ऐसा हमारी सोसाइटी एक मैच्योर स्टेबल हो गई थी, मगर इस तरह के हमारे मुल्क के एहसास एक्ट्रेस अपना रिएक्शन करेगा तो लोग पब्लिक फिर उसी इनस्टेबिलिटी में चली जाएगी, मेच्योरिटी पे नहीं आएगी। हमारा सोसाइटी हेल्दी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग में हो तो उस पर वेट कर जजमेंट का, जजमेंट ना दे, गुजारिश है। बाकी भाई मैडम शर्मिन उबैद चिनाए आज तीसरी हेयरिंग है, मैडम अभी तक नहीं आई, ने फोन किया ने ट्वीट किया, हैव टू सी द अदर इन द सिटी कोर्ट। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं मैडम के, जो पेंडिंग में मैटर हैं लेडीज के रिलेटेड हैं, वो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर मैडम आए क्यों नहीं करेंगे, बाकी रही मैडम इकरा अजीज की, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, यू हैव टू नॉट सी द अदर साइड स्टोरी, अभी नो दे विल सी द अदर चला जाएगा। और इनके बीच में बच्चों का फायदा होगा, अमाउंट हम डिसाइड करेंगे, कुछ अमाउंट वो डिसाइड करेंगे, एजुकेशन का, मेडिकल का और पॉकेट मनी का। ऐसा नहीं हो सकता ताकि आधा कंप्रोमाइज हो जाए, आधा कोर्ट की डिक्री में, जैसे लास्ट टाइम कहा गया था भाई एजुकेशन का फीस नहीं जमा करवाया, एजुकेशन का फीस जमा करवाएंगे, मगर 6 दिसंबर को रखा हुआ है, अगर हमारी बात सक्सेसफुल होंगी तो वो हम केस हमारा मेंटेनेंस का और गार्जियन का भी खत्म हो जाएगा, 6 दिसंबर को ही खत्म हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल नहीं होती फॉर सम रीजन, तो वो केस हम इस पर मेरिट चलाएंगे, मगर हमें पूरी उम्मीद है मैडम भी रिस्पॉन्ड करेगी अपना पॉजिटिव, मैडम अलीजा भी अपना पॉजिटिव रोल करेगी, फिरोज साहब भी अपना एक पॉजिटिव रोल इनिशिएट करेंगे और इनके बीच में बच्चों का फायदा होगा, ठीक है, दे कैन बी गुड पेरेंट्स। तो इंशाल्लाह मैसेज क्लियर, फिरोज इज वेरी थिंकिंग एंड ही इज प्लेइंग पॉजिटिव रोल, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बीच में हुई है वो खत्म हो जाएगी।